एवरीवन, आई एम शिल्पा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि लास्ट वीडियो पे हमने बात की थी कि बच्चों को कब और किस एज में बुक्स इंट्रोड्यूस कराई जाए, सो आज हम बात करने वाले हैं बेड टाइम स्टोरीज के बारे में। मेरी डॉटर की जितनी भी बेड टाइम स्टोरीज की कलेक्शन है, मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, उनकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होती है, प्लस पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रांग होती है इसके थ्रू। सो अगर आप स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं देन यू आर गोइंग टू फील इट, और उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने सच में कोई डिफरेंस देखा या नहीं देखा। रात में सोने के पहले बच्चों को स्टोरी ज़रूर सुनाया। स्टोरी सुनने के बाद बच्चे काम हो जाते हैं, उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। ट्राई टू टेल देम पॉजिटिव और हैप्पी वाली स्टोरीज, उन्हें कोई भी नेगेटिव या वायलेंट स्कैरी वाली स्टोरीज बिल्कुल भी ना सुनाएं। इनफैक्ट मॉमीज, मैं आप सबसे भी बोलूँगी कि आप रात में कोई स्टोरी, कोई बुक या फिर कोई अच्छी नॉवल पढ़ करके सोएं, इट इज़ गुड फॉर यू और आपको नींद भी बहुत अच्छी आने वाली है। सो कमिंग बैक टू बुक्स फॉर आर किड्स, ये बुक्स आप 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको एक बिग थैंक्स बोलना चाहूँगी फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट बुक ऑन द लिस्ट इज द वेरी हंग्री कैटरपिलर। आप कवर देख के ही बता सकते हो कि ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा इस बुक की रिव्यू करते हुए। ये बुक है ही इतनी अच्छी कि सबको पसंद आती है, खास करके बच्चों को। तो मुझे याद है कि मेरी एक नेबर ने इस बुक से हिमानी को इंट्रोड्यूस कराया था एंड शी जस्ट लव्ड इट। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक कैटरपिलर है जो बहुत हंग्री है और उसने कितनी सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें खाई, और उसके साथ उसके बाद वो कोकून में चला जाता है एंड कोकून के बाद वो एक ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई बन करके निकलता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके थ्रू बच्चे जान भी पाएंगे कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनते हैं। दिस बुक इज़ अमेजिंग, सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक। हर एक बच्चे के पास ये बुक बिल्कुल होनी चाहिए एंड मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप आराम से चेक कर सकते हो। और एक ज़रूरी बात कि स्टोरीज सुनाते टाइम आप हर एक कैरेक्टर्स के लिए एक अलग आवाज़ निकाल करके बच्चों को सुनाएं। हैंड्स, मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस के साथ बच्चों को स्टोरी आप सुनाएं, इससे बच्चे बोर नहीं होते और बहुत कैची लगती है उनको स्टोरीज। क्योंकि इनिशियल फेज में क्या होता है, बच्चों को स्टोरीज के लिए बिठाना ही बहुत मुश्किल है, तो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा तभी आपके बच्चे बैठ करके स्टोरी सुन पाएंगे। सो द सेकेंड बुक इज ग्रैंडपा स्टोरीज। इस एक बुक में आपको 4 स्टोरीज मिल जाएंगी। इसमें एक ग्रैंडपा या दादाजी हैं जो कि अपने पोते को बैठ करके स्टोरीज सुनाते हैं और उनके पास हर एक ओकेजन, हर एक सिचुएशन के लिए एक नई स्टोरी होती है। दिस बुक इज एक्चुअली वेरी गुड, इट हैज़ वैल्यूज, इट हैज़ मोरल स्टोरीज। तो अगर आपके बच्चे को गुड मैनर्स सिखानी है आपको इनडायरेक्ट वे में, तो आप इस बुक के थ्रू सिखा सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर किड्स एज वेल एज फॉर पेरेंट्स। सो द थर्ड बुक वी हैव इज स्टोरीज फॉर 5 ईयर्स ओल्ड। आप ये 2 to 3 ईयर्स के बच्चों को भी आराम से सुना सकते हो। अगेन दिस बुक इज अमेजिंग, लैंग्वेज, पिक्चर्स, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। इस एक बुक में आपको 6 स्टोरीज से कलेक्शन मिल जाएंगी एंड लुक एट द पिक्चर्स, बहुत ही अच्छी स्टोरीज है, फनी स्टोरीज है और बच्चे काफ़ी खुश होंगे इसे देख करके। सो अगेन आई विल रिकमेंड दिस बुक ऑल्सो। सो द नेक्स्ट आर इंडियन स्टोरीज बुक, जैसे कि पंचतंत्र और जातक स्टोरीज। सो दिस बुक वी हैव लीव्स ऑफ गोल्ड, ये जातक स्टोरीज में से एक है। अगर आप इसकी पिक्चर्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई एनिमेटेड मूवी देख रहे हो। सो हिमानी के साथ साथ मुझे भी ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड बच्चों को बहुत कैची लगती है, लैंग्वेज बहुत ईजी रखी गई है, तो आप आराम से बच्चों को सुना सकते हो एंड आप अपनी बुक कलेक्शन में ये बुक ज़रूर रखें। सो द नेक्स्ट स्टोरीज आर पंचतंत्र एंड जातक टेल्स। हम सारे लोगों ने बचपन में आई थिंक ये स्टोरीज पढ़ी हुई है एंड बेस्ट पार्ट ये लगती है मुझे इस बुक के बारे में कि लास्ट में हमें एक मॉरल लेसन दिया जाता है कि आपने क्या सीखा इस स्टोरी से, क्या नहीं सीखा और क्या नहीं करना चाहिए। तो इनडायरेक्ट वे में आप बच्चों को गुड मैनर्स भी सिखा सकते हो और पिक्चर्स भी बहुत अच्छी है, कलरफुल पिक्चर्स है, ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो आप छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी इनफैक्ट आप आराम से पढ़ने के लिए दे सकते हो। इन सारी बुक्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप आराम से चेक कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट आर दिस फेरी टेल्स बुक। माई डॉटर इज अ 4 ईयर ओल्ड, सो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास फेरी टेल्स वाली बुक्स तो भरी ही होंगी
एंड जिनके डॉटर्स है आई थिंक वो रिलेट कर पाएंगे कि उनको बारबीज, फेरी टेल्स और ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद आती है। तो ये है लेडी बर्ड टेल्स की फेरी टेल्स, रैपंज़ेल, सिंड्रेला, थंबेलिना, स्नो वाइट, ये बुक्स की कलेक्शन आती है, 5-6 बुक्स की कलेक्शन। तो आप वो एक ही बार में परचेज कर सकते हो और ये बोर्ड बुक है तो छोटे बच्चे को भी आप आराम से पढ़ा सकते हो और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ब्राइट कलर से बच्चों को बहुत कैची लगते हैं, तो दे आर गोइंग टू इन्जॉय दिस बुक। सेकेंड जो है वो है टाइनी टॉट बेस्ट ऑफ ग्रीम्स फेरी टेल्स। इसमें जो क्लासिक स्टोरीज है वो सारी भरी पड़ी है, ब्यूटी एंड द बीस, पाइप पाइपर, जो हमने भी आई थिंक पढ़ी हुई वो सारी चीज़ें हैं इसमें, और यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। इस एक बुक में आपको 6 or 7 स्टोरीज मिल जाएंगी, तो ये काफ़ी है, आई थिंक आपको बार बार बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस बाबी बुक। इफ यू हैव अ डॉटर एंड दे ऑलरेडी हैव बाबी डॉल्स तो डेफिनेटली गोइंग टू लव इट। मेरी डॉटर तो इसको ले करके सोया करती है, उसकी इतनी ज़्यादा फेवरेट है ये बुक। एंड लुक एट द कवर, कवर बहुत अच्छी है, बोल्ड बुक है ये, एंड दिस इज डांस बेस्ड स्टोरी, तो आप बच्चे काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं इसे, सो यू कैन बाई दिस ऑल्सो। तो ये सारी मेरी डॉटर की फेवरेट बेड टाइम स्टोरीज बुक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं कुछ और भी बुक्स की रेफरेंस आपको देती हूँ जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इस टाइम पे बच्चे बाहर प्ले करने नहीं जा पा रहे, घर पे बोर हो रहे हैं, तो दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप उन्हें स्टोरीज सुनाना शुरू करें। दीज आर द बोर्ड बुक्स जिसमें एनिमल से रिलेटेड स्टोरीज बताई गई है। ये बुक छोटे बेबीज के लिए बहुत अच्छी है, यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन ऑल्सो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके बच्चे की फेवरेट बेड टाइम स्टोरी कौन सी है, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप न्यू पेरेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।